वेलकम है गाइस, आप सबका एक बार एक न्यू व्लॉग में। और ये क्या कर रहा है जैक भाई? तू क्या है भाई? ये पत्थर है? ये तेरा पत्थर है? अच्छा जी, मेरे में बहुत क्यूरीज आ रही हैं कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत क्यूरीज आ रहे हैं कि वॉमिट हो रही है डॉग को या अच्छे से खाना नहीं खा पा रहा है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप सबको कि आप थोड़ी डाइट डाइट प्लान में ना थोड़ा चेंज करिए। कभी भी डॉग का खाना रिपीट मत करिए। आप हमेशा अलग खाना देंगे ना, जैसे आपने सुबह उसको पेडिग्री दे दिया, पेडिग्री के साथ आपने कर्ड मिक्स करके दे दिया, और फिर दोपहर में आपने उसको राइस के साथ एग दे दिया, बॉयल एग विद कर्ड। रात में आपने उसको थोड़ा सा चिकन दे दिया, नहीं तो आप उसको रोटी भी दे सकते हो, ठीक है। और ये घास में खेल खेल के ना, इधर इसके छोटे छोटे से वो लग जाते हैं, घासों में एक पौधे टाइप होते हैं ना, ब्राउन कलर के छोटे छोटे से, वो लग जाते हैं। टिक्स नहीं है बिल्कुल भी जैक को, कभी हुए ही नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा शैम्पू अच्छा यूज़ करता हूँ इसके लिए। और तो मैं कह रहा था डाइट प्लान आप प्लीज़ यार चेंज करिए, अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है तो, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको कि पेडिग्री में आप कर्ड मिक्स करके दीजिए, और फिर दोपहर में आप राइस के साथ आपको बॉयल एग दे दीजिए, दो बॉयल एग आप ज़रूर दीजिए, और आप इसको रोटी भी दे सकते हो, या कर्ड के साथ दे दो या दूध के साथ दे दो, जो डॉग को अच्छा लगे खाने में। तो ये आप एक दिन का डाइट प्लान रखेंगे तो डॉग हमेशा अच्छे से खाएगा, उसको भूख भी लगेगी, और इम्पॉर्टेंट ये है कि सुबह उसको थोड़ा सा हल्का हल्का फुल्का रनिंग ज़रूर कराए, वर्कआउट ज़रूर कराए उसको, तभी जाके उसको भूख अच्छे से लगेगी और वो अच्छे से खाएगा। और जहाँ तक की बात है पेडिग्री या ड्रूल्स की, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये लगी है लौकी लौकी लगी है इधर गार्डन में। और ये जैक, एक बार ये बड़ी सी लौकी जो लटकी थी, ये नीचे साइड इसने दांत मार दिया था इसने इसको, वो फिर इसको ही देनी पड़ गई। उसका रायता बनाया था बिना कोई नमक डाले, इसने खा लिया। तो वही है, डॉग एवरग्रीन होना चाहिए, सब्जियाँ उसको खानी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हो जाओ, कमे कम आज। जैक बिल्कुल वेल ट्रेंड है, चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है। ये इसका पत्थर है, पत्थर साथ खेल रहा है। और हालांकि आप एक और बात मैं बताऊं, आप लोग कर्ड आप अवॉइड करें तो फिर आप इसके लिए लस्सी ले लें। लस्सी 20 या 30 रुपए का पैकेट आता है, बहुत अच्छा होता है, डॉग्स भी बहुत पसंद है वो, हालांकि जैक को तो बहुत पसंद है, तो इसीलिए आप वो ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया है खाने के लिए डॉग के लिए। आप उसको ऐसे भी दे सकते हो, चाय या उसको राइस में दे सकते हो, तो बहुत अच्छे से खा लेगा। एग ज़रूर दे, एग का जो येलो होता है, जो जिसमें पीला पीलापन होता है उसका, उसको अच्छे से मैश कर दीजिए राइस में, तब डॉग और अच्छे से खाता है। और जो एग एग के जो शेल होते हैं, उसके आप बड़े बड़े मतलब टुकड़े ही रखें, ज़्यादा उसको मैश मत करिए। तो ये था थोड़ा डाइट प्लान जिसका डॉग नहीं खा रहा है। और ग्रोइंग पीरियड में तो भैया आप बढ़िया खाना दीजिए, ग्रोइंग पीरियड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तभी उसके बोन साइज़ अच्छा होगा, हेड साइज़ अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी उसकी, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरीज हो इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, कोशिश पूरी ही रहेगी कि मैं उसका जवाब दूँ और आप भी फुल सेटिस्फाई हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम कोई व्यूअर है तो। अपकमिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं हमेशा बनाता हूँ, अननेसेसरी मेरे व्लॉग्स नहीं होते इतने, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।